गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 19, द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव. सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वी हैव स्टडीड दैट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. एंड हियर द लास्ट पॉइंट वी हैव स्टडीड, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वट इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? मीन्स अगर कोई भी एक मिनिस्टर दैट इज़ रॉन्ग या फिर दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हिज वर्किंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट क्या होगी, सिंक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. फाइन, सो दैट्स वाई दे स्विम एंड सिंक टुगेदर. दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनली ऑफ अ वन पर्सन, दैट इज होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल. द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट द सेम बॉडीज. द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट द सेम बॉडीज. सो देर इज अ डिफरेंस इन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स, अब मैं आपको कैसे समझाती हूँ, देखो, यू कैन सी दीज ऑल आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. ठीक है, इसमें क्या है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं. ठीक है, मान लो ये हो गए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स. उसके अलावा हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो गए ये वाले. फाइन, और उसके अलावा हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो गए ये. ठीक है, अब आपको समझ आ गया. तो इसमें से ये सबके सब मिलके क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, कैबिनेट. कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे पावरफुल यही है. ओके, फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये जो सारे के सारे हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंटरनल मैटर्स पे भी और एक्सटर्नल मैटर्स पे भी क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं हमारी कंट्री की. ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के डिसीजंस लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं थ्रू वेरियस मिनिस्टर्स, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर, हेल्थ एक्सेट्रा, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, सब मिलके क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं. इट ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शंस लाइक प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग द एनुअल बजट एंड मेकिंग लॉज. अब और भी क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस इनके कौन से हैं, जिसमें क्या है, एनुअल बजट बनाना, उसको अप्रूव करना और लॉज बनाना. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आपके फंक्शंस थे प्रेसिडेंट के, लाइक वाइज वी हैव द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज द पाइवट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड हिज और हर. एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज रियल पावर्स. द मेन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है हमारी गवर्नमेंट में, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर. सारी के सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्राइम मिनिस्टर के सराउंडिंग में ही रिवॉल्व करती है. प्राइम मिनिस्टर के क्या पास क्या है, रियल पावर्स हैं. फाइन, सो प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस हैं, टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होती है. टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो कैबिनेट की मीटिंग्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, उनको प्रिसाइड करना, उनका चेयरपर्सन बनना. टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे ये डिपार्टमेंट्स हमने पढ़े थे अभी अभी, राइट, इनको कोऑर्डिनेट करना, आपस में सबको मिला के चलना. To advise the President to summon or prorogue the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expire. अब क्या है ये, President को क्या करना, summon करना. ठीक है, President को summon नहीं करना, President को advice देना कि अब आप बुलाओ, session को बुलाओ, dissolve करो. ठीक है, To advise the President about important appointments. सारी के सारी important appointments किसकी सलाह पे होंगी, किसकी एडवाइस पे होंगी, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे.
क्वालिफाइंग, जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन की, ऑडिटर जनरल, एम्बेसडर, सबकी क्या होती है अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट की मर्जी, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से होती है. एज अ लीडर ऑफ द पार्टी ही इज हर ओपिनियन कैरीज मैक्सिमम वेट इन टेकिंग ऑल पार्टी डिसीजंस. क्योंकि वो सबसे हेड है, पार्टी का भी हेड है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो क्या है ये, सारे के सारे पार्टी डिसीजंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की. उनके व्यूज़ वैल्यू भी किए जाते हैं, रिस्पेक्ट भी किए जाते हैं. अवर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर. स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू आर सपोज टू स्टडी इन दिस चैप्टर. यू आर सपोज टू स्टडी दीज कीवर्ड्स बाई योर ओन सेल्फ. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. So these are the MCQs. Who among the following is the head of the Union Government? So the answer is the Prime Minister is the head of the Union Government. The Supreme Commander of India's Defence Forces is the President of India. Which one of the following statement is true? So here the President of India is an integral part of Indian Parliament. It is, this one is true. The President can dissolve the Lok Sabha on the advice of, here, the Prime Minister of India. In case of certain extraordinary situation, this question you will do by your own self. Because it is very important also. ठीक है, ये वाला question मैंने आपको बोला था कि detail में भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए. Now fill in the blanks. In parliamentary form of government, the two types of executives are nominal and real. The process to remove the President of India is called impeachment. The Union Council of Minister is there to add aid and advice. Responsibility of all the minister to defend their act and decision is called collective responsibility. The President of India is elected by single transferable vote system. Now we have true and false. The Union Executive comprises of the Prime Minister and the Council of Ministers. That is false. President is also a part of it. The President of India cannot be re-elected for the second term. That is false. He can be re-elected, he or she. All the elected members of Parliament and the state legislative assemblies elect the President of India. True. The imposition of emergency in the state is called President's Rule. True. The Chairman of Rajya Sabha must be a member of Rajya Sabha. That is false. These question answers we will do in the next video. Thank you, students. Have a nice day.